व्हाट्स अप कैप गैंग, स्वागत है आप सब लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज हम लोग जाकर के देखने वाले हैं बेस्ट मूवमेंट सोल क्लैन के। हाँ मेरे को आज भी याद है, मैं और मेरे दोस्त बैठ के कॉम्पिटिटिव के मैचेस इसलिए देखते थे क्योंकि हमें सोल क्लैन को देखना होता था। तो मैंने कहा क्यों नहीं आज जाकर के देखते हैं कुछ सोल क्लैन के खतरनाक क्लचेस। अगर आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना अगला कौन सा प्लेयर या टीम तुम चाहते हो कि हम करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। यहाँ पे हमारी सोल टीम है और यहाँ पर टीम आईएनडी कहाँ 98 से नॉकडाउन करे दो प्लेयर आईएनडी एंड लॉन्ग रेंज फाइट, ये थर्ड पार्टी हो रहे हैं सोल यहाँ पर बैठी हुई है और ये सबका फाइट है जब स्काउट आईएनडी में था। ओके आईएनडी ने एक करा था नॉकडाउन, थर्ड पार्टी कर रही है भाई साहब। सोल का एक बंदा नॉक है, रोनक इज आई गेस रिवाइव दे रहा है, वाइपर अकेला बचा हुआ है। क्रेटोस और ट्रांस वहां पे, क्या वाइपर यहाँ पे वक्त जज्बात जिंदगी बदल पाए। डॉलर का स्क्वाड ऊपर देखते हैं। ओके तीन बंदे हो गए रिवाइव, यहां पे वाइपर ने नेडो निकाल करके फेंका क्रेटोस के ऊपर। क्रेटोस लो होगा यहां पे, वाइपर को देन क्रेटोस लो। यहां पे हमारे स्काउट भैया है, वहां पे नॉकडाउन कर दिया वहां पे क्रेटोस, तीन नॉकडाउन करे यहां पे, मोर्टल को नॉकडाउन करा स्काउट ने, उसका स्काउट भी खत्म। अरे ओ गाइस ये क्रेटोस, ये क्या वक्त जज्बा जिंदगी बदला बे, अकेला वाइपर बचाया बट यहां पे टीम आईएनडी हो चुकी है 16 पे 0। मोर्टल लेफ्ट से निकला M7 के साथ। आप लोगों को तो पता होगा कि जो डीपी नामक गन है ये सबसे ज्यादा फेमस मोर्टल की वजह से है। और है दूसरी टीम का जो नोवा का, ये तो प्लेयर नॉर्मली डीपी को खाते थे, लोग उठाते थे 11M4 लेके फिर मोर्टल में चलाने शुरू की। डीपी का भी अच्छा गेम दिखा रहा है, आज भी वो सेम गेम प्ले यहां पे दिखा पाएंगे। और ये क्लिप थोड़ी सी पुरानी वाली है जिसके अंदर यार के फुल एग्रेसिव हमारी गाड़ी का क्लिप है सारी के सारे, जो हम सब बैठ के देखा करते थे। आप सबको भी याद होगा कि ये मैच तो सब नहीं देखा होगा, जहां पे सोली ग्लोबल लेवल का मैच है, जहां पे ओएस ने बहुत गलत मारा था भाई, हो चुका है। अब पीपीपी दिखाने का असली मूड यहां पे आ चुका है। ओके सी एंड एक बंदा नॉक कर रहा कोको एंड यहां पे ये क्लोज रेंज फाइट दिखती हुई, यहां पे सोली ने नॉक फिनिश किया, फिनिश कर दो बंदे अंदर को गए, आते हुए मिटे का आया ओएस ने क्लोज किया, अगला बंदा को नॉक किया। ओ भाई दो प्लेयर यहां पे नॉकडाउन करे, फिनिश करे सोल गॉट दोस इंपॉर्टेंट किल, सात किल यहां पे निकाल चुकी है। एक बंदा और नीचे से आ रहा है, आरआर की ड्यूटी हुई नीचे बैठ करके टीपीपी ले रहा है। ये वाला फाइट भी बहुत पुराना है, ये है जब ये तो ओएस सोल का, ये तो ओएस का गेम प्लेयर सोल में था, ये तो लाइक लगा लो 2 साल हो गए भाई इसको, 1.5 साल तो हो ही गया होगा इस चीज को भाई। ओ भाई दो बंदे नॉक कर दिए भाई, ये बंदा 4 फिंगर पता कब खेलता था, जब हम सब लोगों को 3 फिंगर तभी से खेलना नहीं आता था। ओ भाई साहब ये गेम प्ले पुराना है सही में, अभी का नहीं है, आज के टाइम में तो गेम प्ले बहुत बेटर है। पागल सोल्टिंग ही करता था भाई पहले तो। यहाँ पर भैया एक स्क्रिम का फाइट है, यहाँ पे जहाँ पे फैनेटिक वर्सेस सोल की एक फाइट है जो कि देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैंने देखी नहीं क्योंकि विलेज स्पोर्ट्स पे चलता हुआ वाइपर को, तो प्रोबेबली मैंने मिस कर दी। लेकिन यहाँ पर सोल सांगवान सोल मॉर्टल वर्सेस इधर 2v4 है उनके पास, क्या सोली जीत पाएगी? वाओ दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। मेरे को लगता है खा रहे होंगे मॉर्टल की बात करें, उनके पास मॉर्टल पे हाफ एचपी हो चुका है शायद से, अब फैनेटिक गुस्से के यहां पे क्लोज जा चुके हैं मॉर्टल, सारा एडवांटेज तो फैनेटिक वालों पे भाई। ग्रोजा लेके गुस्से में क्या, लेकिन ओएस यहां पे नॉक होता हुआ सागवान ने जस्ट लेचे हुए थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ओएस को नॉक किया। एश यहां पे रिवाइव करेंगे पारितोष की, दोनों के दोनों साथ बने हुए, लेकिन इनको स्पॉट करना हार्ड होगा यहां पे मॉर्टल को, सागवान को प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पे अभी के लिए फैनेटिक पे, क्योंकि जोन में फैनेटिक को जाना है। सोल स्क्वाड पहले से ही जोन के अंदर है, मॉर्टल और सांगवान दोनों जोन के अंदर है, 32 मीटर दूर दोनों को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ओएस में भी अब स्पॉट कर सकते हैं, एक नेट किया था मॉर्टल, वहां पर मूवमेंट कर रहा है सामने, ओएस लेटा हुआ है यहाँ पे, मॉर्टल और ओएस सामने सामने, लेकिन मॉर्टल ने नॉकडाउन किया एक बार फिर से ओएस को। देखना पड़ेगा क्या क्लच कर सकते हैं नहीं। सांगवान भी आते हुए ओवेस की तरफ से, सो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड से कवर हो सकती है, आप लोग अगर देख सकते हो रेगल्टॉस वहाँ पे ऊपर चलते हुए एश के साथ 1v1 करते हुए, मॉर्टल भी पीछे से आते हुए
एंड यहाँ पे सांगवन ने एक प्लेयर को और नॉक कर दिया। फनेटिक की टीम यहाँ पे ओब्लिगेट होते हुए गाइस, यहाँ पे रौनक अकेले बचे हुए हैं, रौनक के साथ खत्म होते हुए टीम सोल पूरी फनेटिक के ऊपर चढ़ के एंड यहाँ पे वाइप आउट कर दिया है पूरी टीम फनेटिक को। 8 किल्स निकालते हुए यहाँ पे जंग छिड़ चुकी है दोनों ही टीम के बीच में। यहाँ पे परितोष और ऐश आते हुए दिख रहे हैं, रेगल तो शॉट लेते दिख रहे हैं, परितोष काफी लो कर एक बंदा देख के घुस गई भाई की तरफ आते हैं, ऐश क्लोज इन कर रहा है, रेगल तो उससे तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। सांगवान को चलती गाड़ी से उतार दिया भाई ऐश ने, ओ माय गॉड, सोल फनेटिक की एक और फाइट है और वाओ रश कर रहा है। यहाँ से फनेटिक घुसी, सोल का एक बंदा ऑलरेडी नॉक्ड है, अमन नॉक्ड है शायद से, सांगवान उसको उठा पाए, अमन ने उठा लिया है उसे, वो अंदर रौनक घुसने का ट्राई कर सकता है, चारों तरफ से घेर लिया सोल को यहाँ पर, लेकिन इनको पता नहीं तो रेगोल्टोस दूर खड़ा है तो शायद से एंगल अगर रेगोल्टोस अच्छा बना पाए तो शायद से एक रॉक दूर से निकाल सकता है रौनक का, क्योंकि रौनक पीछे से खुले में रहेगा। आई डोंट नो, कुछ कवर देखने को मिल सकता है सांगवान, नहीं शायद से नॉकआउट कर लिया गया सोल, लेट्स सी क्या शायद से नहीं रौनक तो नहीं कर पाएगा रेगोल्टोस, बहुत दूर है। स्काउट यहां पे स्पॉट करते दिख रहे हैं साउथ, ये 2v4 है एक्चुअली शायद से, रौनक नॉक्ड हो चुका है, प्लेयर्स जो है ट्रेड लेने का ट्राई कर रहे हैं, सांगवान स्पॉट हो चुका है, रौनक कैसे नॉक होने ध्यान नहीं दिया, फेक स्मोक जो है फेक नेड जो उन्होंने किया काफी बढ़िया था, ये रेगोल्टोस वहां पर लो हो चुका है, पीछे से दूसरी टीम उसको थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर रही है जहां तक मेरे को पता है, घर के तरफ आ गए हैं फिलहाल नेड फेक मॉली, ओके सांगवान पर रस्ती है यहां पे, एक हेडशॉट ओके तो स्काउट ने यहाँ पे सागवान को नॉक किया, अमर इज ऑल्सो नॉक एंड रेगोल्टोस ऊपर अकेला बचा हुआ है, पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं, मुझको लगता है नहीं, ऊपर से मारने का स्प्रे मारने का ट्राई कर रहे हैं, स्काउट यहाँ पे 1 HP बचा है, यहाँ पे सोल और एंटिटी की एक और फाइट हमारे पास आ रही है निकल करके, जिसके अंदर सोल वर्सेस 4v4 फाइट है, तो पूरे ओके ये मजेदार होने वाली है, अमन की बात करें काफी ज्यादा ओपन में, टीएसएम के पहले की बात थोड़ी सी पुरानी फाइट है, उनके पास अपनी पोजीशन जरूर दे दी वाइपर, ओके क्लच गॉड यहाँ पे नॉक हो तो वहाँ मॉर्टल ऊपर से कूदा है, मॉर्टल में देखा मॉर्टल कूदता है, मॉर्टल लगा रहे अपन पंच बनो और रश करने की कोशिश करेंगे, मॉर्टल आगे के साइड पे करते हुए जी गॉड अभी भी नीचे, सामने जी गॉड है, मॉर्टल स्प्रे मारने का ट्राई किया, इसको लो कर दिया, हाफ एचपी कर दिया, एचपी हो गई है लेकिन ये गलत दबके हल्का सा भी डाउन घातक, और जी गॉड मॉर्टल गुस्से पे घुसे यार, मॉर्टल भी लाइक अपॉन घुस गया भाई, येलो स्काउट डाउन होते हुए, स्काउट को पूरी तरीके से फिनिश भी किया जॉन ने, आई गेस अमर भी डाउन हुए, वाइपर को फिनिश किया गया, क्लोज होने वाली है सिचुएशन होता हुआ, घातक नीचे साइड पे आ गया, बट नहीं मॉर्टल ने हल्का सा मैसअप कर दिया यहां पे, लेकिन रेगोल्टोस आया पीछे से, लेकिन टीएसएम ये फाइट निकालती हुई यहां पे एलिमिनेट होते हुए भाई एंटिटी स्क्वाड, चार के चार मेंबर्स एंटिटी के बचे हुए हैं, बट सोल भाई क्या फाइट थी, अब यहाँ पर एक और फाइट है एंटिटी और सोल की, जिसके अंदर आएगा सोल रश कर रही कंपाउंड के ऊपर, जो एंटिटी ने होल्ड किया है, साथ में मिस्टिक के भी दो प्लेयर है, टीममेट जो है बट इनका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कंपाउंड नहीं है, ओके सोल वर्सेस टीम मिस्टिक 7 मॉडल हो सकता है या फिर रिज एडवांटेज सोल के पास है शायद से, और ये सारे के सारे जितनी भी एंटिटी के सब टीम में सबके सब साफ बने हुए रैंडम फायर मार रहे हैं, क्या धुआं धुआं हो रखा है सर्कल भाई, उलटा हुआ दिख रहा है हमें, और टीम्स जो है सोल की स्क्वाड अगर ये चिकन डिनर लेती है तो स्कोर बोर्ड के टॉप में भी वो आ सकती है, 8 किल ऑलरेडी उनके आगे, नॉकडाउन के एंटिटी कुछ भी नेड भाई, कुछ भी नेड एंटिटी की और सोल की है भाई, इंटरेस्टिंग बहुत फाइट, कुछ भी नेड, ओ माय गॉड 7 की स्क्वाड यहां पे चिकन डिनर भी भाई, मॉर्टल ने मिस्टिक 7 को नॉक किया था दूर उठा करके कोने में एकदम, उसकी तरफ ग्रेनेड आता हुआ दिख रहा है, लेकिन रेगोल्टोस भी नॉक हो गए हैं, वाओ यहां पे नॉकडाउन होते दिखते हैं, क्या नेड कर रही है एंटिटी, मॉर्टल भी यहां पे नॉकडाउन हो जाएंगे, जोनाथन नेड पे नेड, हेलो जॉनी भैया
कैसे बोल रहे हमारे जॉनी भैया, तो जॉनी भैया है ना पबजी के भाई। लेकिन जोनाथन ने वक्त जज्बात जिंदगी बदल डाला। तो इसका कैसे आज की वीडियो बस इतना ही, जाकर के कमेंट सेक्शन में बताना अगला कौन सा प्लेयर और टीम तुम चाहते हैं हम कवर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबा करके। एंड हम लोगों पे स्ट्रीम करने वाले वैलोरेंट के, तो उधर भी आ जाओ जल्दी से, वहां पे बहुत मजा आने वाला है। आज मिले कल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड पीस आउट। Ladies and gentlemen, can I please have your attention, all of you, to stop what you're doing.